हेलो जी, गुड मॉर्निंग मीनू नागर फैमिली। इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज करते हैं हम अपने फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और अब फ्रिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। इतने दिनों से बंद पड़ा हुआ है और काफ़ी गंदा हो रहा है, तो इसे साफ़ कर लेते हैं। बच्चे चले गए स्कूल और घर पे एक दो छोटे छोटे बच्चे हैं। सभी कम फैल हुआ है। तीनों फ्रिज गंदे हो रहे हैं, तीनों साफ करने पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे। पहले आज ये सब बड़े वाले को साफ कर लिया। एक नीचे है, दो फ्रिज ऊपर है। नीचे ठीक से काम चलता है, लेकिन ऊपर दो इसलिए रखो गए कि दूध दही छाछ सब्जी वगैरह सभी रखनी पड़ती है फ्रिज में। और एक पानी वानी के लिए चाहिए। अभी तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर पड़ेगी गर्मी में। मैंने इस पर सरफ डाला, थोड़ा सा नींबू डाला और इसकी क्लीनिंग शुरू कर दी। और इसकी चमक देखना कैसी आएगी। किसी बाहर की उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्लीनिंग के लिए। हम अपने घर से भी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये देखो कितना गंदा होगा, बंद चीज़ बिल्कुल बेकार जैसी हो जाती है। बंद पड़ा हुआ है ना इतने दिनों से। नया इसके बर्तन साफ कर दिए तूने? शायद व्लॉग में शॉर्ट वीडियो में शायद। तो ये नींबू का अचार जो हमारे घर में सिर्फ पापा को पसंद है, बच्चे खाते हैं, लेकिन बच्चे ने मीठा पसंद है, खट्टा वाला नहीं। बेटा पीछे हो जाओ, खिला ले बाबू।
देती हूँ। हेलो गाइस, तो दी चली गई है पार्लर वाली शॉप पे और हम दोनों लगे हुए हैं घर पे, घर के काम को निपटाने में। और पता है आपको कि शादी सीजन चल रहा है और पार्लर में भी बहुत काम होता है, तो दी सुबह को जाके शाम को ही आती है वहाँ से वापस, और हम दोनों घर पे लगे रहते हैं, बच्चों को भी संभाल लेते हैं और घर के काम को भी। और कभी कभी मेरी हेल्प लगती है तो मुझे भी जाना होता है, काफ़ी लोग आ जाते हैं जैसे तैयार होने के लिए, तो मैं भी चली जाती हूँ, फिर नहीं आई संभाल लेती है घर का सारा काम। सो गाइस, फ्रीज की क्लीनिंग तो हो चुकी है, अब मैं इसमें सब्जियां लगा देती हूँ क्योंकि सब्जियां रखी हुई हैं बहुत सारी और फिर धीरे धीरे ख़राब होने लगती है अगर फ्रीज में ना रखें तो, टमाटर वगैरह तो ख़राब हो ही जाते हैं। हेलो गाइस, ये काम तो हो गया मेरा, फिर घर का और बाकी का काम किया हमने और फिर दी आ गए थे दोपहर को लंच के लिए और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, उस बीच फिर हमने थोड़ी देर आराम किया, आराम करने के बाद शाम के टाइम चाय की तैयारी करी, दी चाय के लिए आ गई थी और अब बनाएंगे हम चाय। सो गाइस, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताया करो और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़, व्लॉग देख के भाग मत जाया करो, इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आते हैं और आप ऐसा करते हो कि लाइक करते नहीं हो, भाग जाते हो। हमारा दूध हो गया खत्म,
चाय बनकर हो गई थी यार, और इस टाइम हम दोनों ही चाय पीते हैं। नेहा बस सुबह को पीती है, शाम के टाइम की चाय नेहा नहीं पीती है। और बच्चों को मैं चाय दे चुकी हूँ, तो चलो अब चाय इंजॉय करते हैं। गाइज हमारा लविक जो है वो चलने भी लगा है, दिखने से बोलने क्या कह रहा थी दीदी, क्या कह रहा हूँ अभी खोल दे नमकीन का पैकेट, खोल दे। रुक जा मैं डालूंगी प्लेट पर, दे इसे चाहिए मोनो, देनी चाहिए जी, जी देनी है लाइट मिक्सचर। तो गाइस ये लाइट मिक्सचर है डाइट नमकीन, ला तो जल्दी दिखा, दिस इज द बेस्ट चाय के साथ। ओ लविक जी खाने की तैयारी कर रहे हो, खाली 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 आपने और खाओगे लो। सब्जी बनाना है और मैं लगूंगी रोटी बनाना। करेला कब बनाओगे? कल बना लेंगे, साफ खराब हो जाएगा घर। बदतमीजी ये देख, और नीचे से खाया उठा उठा प्लेट में रखी हुई, सही से लग थी जैसे खाना कुछ नहीं चाहिए, बस दो रोटी चटनी, चटनी दो रोटी चटनी छाय मिलेगी, छाय जरूर होनी चाहिए, बस छाय जरूर होनी चाहिए, छाय जरूर होनी चाहिए। मेरी छाय कितने डालूंगी, जो घर में दूध ना हो तो समझो कुछ ना हो, कुछ ना हो सही में। घर को तो घर को दूध है तो सब कुछ है, सब कुछ है। कपड़े धो धो के सुखा दिए रात में, बहुत सारे कपड़े धोए हैं गाइस हमारे, इतने सारे कपड़े देखो, तार भरा हुआ है, युवाड़ा भी पूरा भर रहा है, ये ग्रिल भरी हुई है पूरी, और भी मशीन में धो रहे और बिना धोए भी रखे हुए हैं, और नीचे तार पे दिखा दो आपको, नीचे तार पे सूखे कपड़ा के मारे, सॉरी गिर जाती मैं तो अभी, सॉरी भी खुद ही बोल रही हूँ, कपड़ान के मारे घर भरा पड़ा, हमारा घर दबा पड़ा कपड़ान के मारे। और यह बात है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दीदी भी परेशान हूँ, और अगर वैसे मेरी तो सेफ में भी जगह है, वैसे किसी से बोल दे मैं कि मतलब कपड़ा कपड़ान की बात आ गया तो बच्चे कहेंगे हम पे कपड़े नहीं है, बच्चे इनके चाचू, बच्चे इनके चाचू कहेंगे हमारे पास कपड़े नहीं है, और बच्चे इनकी बड़ी मम्मी के पास तो रहते ही ना बेचारी के पास, बड़ी मम्मी तो कत ही गरीब है। हेलो गाइस, और ये लकी है, इसके इसे व्लॉगिंग करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, मैं कल बाजार गई तो यहाँ ने फोन लेकर फिर किसी व्लॉग बनाया। हेलो गाइस कैसे हो, सब ठीक? यस 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 सब ठीक सब ठीक, ऐसा बोल रहा है एक्टिंग में, यस 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 सब ठीक सब ठीक, चलो बोल बोल कर दिखा। हेलो सब, यस 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 ठीक 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 ठीक, ढंग से बोल ना। हेलो आप सब ठीक ठीक ठीक, हेलो गाइस, हेलो गाइस आप सब ठीक 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 ठीक, बाय बाय, यस 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 ठीक ठीक, यू तो कह ही ना देना है, चल ये लाइन में चला आ तुम्हारे, यस 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 ठीक ठीक ठीक, बाय गाइस, चला देखो ठीक 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 गाइस। हेलो गाइस, तो आपको पता नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, हमने न्यू कार ले ली है, और ये रही हमारी नई गाड़ी, और फिर खड़े हमारी तीन सहेली, I'm not afraid to die.
का किया था और कायरा बहुत रो रही थी तो वीडियो शूट नहीं कर पाए है ना। मम्मी चटनी है? चटनी नहीं है, ये मसाला है। एक वीडियो बन पाई मैंने की इंस्टा पे वीडियो डाल दी। हाँ इंस्टा पे डाल दी चटनी। दीदी आजकल आल का सारा मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। चूल्हा बेटा चटनी से कौन खाता है, गंदी बात होती है। नहीं सही नहीं तो दो घंटा लगेगा पोतने में। आके क्या चूल्हे पोतने में दो घंटा लगेगा, इस हमारे यहाँ पर खाना नहीं बनाया जाता भाई। सच्ची में पूरा टाइम देना पड़ेगा चूल्हे पोतने को। हमारे वो डाला है पहले राख उठाओ फिर चूल्हे झाड़ो, इनमें राख भर जा इनमें जिन्हें इनमें, और फिर ये एक एक बार साफ करो जीने। यार घर के जीने साफ ना होते चूल्हे के भी जीने साफ करने पड़े हमें। क्या बात है, ये क्या था? तो हमारे कफ काम बोल लगे, फोड़ दिए गए हैं कफ। कैसे कैसे फूटे दीदी, किसने फोड़े कफ? फोड़े नेहा ने, एक साइड टॉक दिए सारे कफ। कफ को स्टैंड नेहा की ओर को गिर गया और कफ फूट गए। अब नए कफ लाने पड़े, सेट बिगड़ गया। हेलो गाइज, तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। सो बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़।